I am back. तो आ गए आप, कैसे हो दोस्तों। जैसा कि आपको बताया कि भारत के YouTube का ट्रेंडिंग पेज पूरी तरह विवादित हो चुका है। यहाँ पर आपको हर वक्त बदबख्त, कमबख्त, बेहुदा, बकवास, बदनाम और झंडुमाम वीडियोस मिल जाएंगी। खैर, इसके लिए YouTube कार्य कर रहा है, समय के साथ कुछ ना कुछ उपाय हो जाएगा, ऐसी वीडियो डिलीट हो जाएंगी। मैं एक ऐसे ही ट्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ जो बहुत ज्यादा फैल रहा है और बहुत ज्यादा खतरनाक है। इनो के बारे में आपने वीडियोस देखी होंगी, ब्लॉग्स पढ़े होंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि इसके प्रयोग से आपका चेहरा गोरा हो जाएगा। भाई, घंटा गोरा हो जाएगा, कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी इसका प्रयोग ना करें। इन वीडियोस में ये बताया जा रहा है कि इनो को आप नींबू के साथ प्रयोग करो और 10 ही मिनट में आपके चेहरे पर निखार आ जाएगा, गोरा हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा, त्वचा ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी। भाई, त्वचा की ऐसी तैसी हो जाएगी। भाई, मैं आपको सरल शब्दों में समझा देता हूँ कि इनो में मिला होता है सोडियम, और ये सोडियम वही होता है जिसे आजकल कपड़े धोने के डिटर्जेंट में प्रयोग किया जाता है। और मुझे आपको बताने समझाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता देता हूँ कि कपड़े धोने के डिटर्जेंट से यदि आप अपना मुंह धोते हो तो आपके चेहरे की बैंड बच जाएगी भाई। और ये कहते हैं वीडियो में कि इनो को नींबू के साथ मिला के अपने चेहरे पे लगाओ। भाई, नींबू खुद ही बहुत हार्श होता है और जब इसे इनो के साथ मिला दोगे ना तो माशा अल्लाह वल्ला वल्ला हो जाएगी, चेहरे की पूरी तरह लंका लग जाएगी, चेहरे पर रेडनेस, जलन, रैशेज और छाले भी पड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जब आप इनो का या नींबू का मिश्रण आप अपने चेहरे पर लगाओ तो हो सकता है कुछ समय के लिए या एक आध दिन के लिए आपके चेहरे पर थोड़ी सी ब्राइटनेस आ जाए, पर बाद में आपके चेहरे पर काले काले स्पॉट पड़ जाएंगे जो कि ठीक नहीं होंगे। और यदि कभी रिपीट कर दिया ना कि भाई एक बार ब्राइटनेस पड़ गई, एक और बाद एक लगा लेते हैं और मजा आ जाएगा, चेहरा तो गोरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो फिर सुन लो कि लंबे समय में ये बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे। और जो ब्लैक स्पॉट आपके चेहरे पे पड़ेंगे, जो आपके चेहरे को नुकसान होगा ना भाई, उसे आप फिर ठीक भी नहीं कर पाओगे क्योंकि दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। तो मैं आपसे बस संक्षिप्त शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि इनो को नींबू के साथ मिला के या इनो को चेहरे पे लगाने की गलती बिल्कुल ना करें। भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, प्लीज इसे अपने चेहरे पर बिल्कुल प्रयोग ना करें। और बात रही भैया गोरे होने की, तो जाने इंडियंस को क्या हो गया है, हम क्यों अपने सांवले काले रंग को लेके कॉम्प्लेक्स महसूस करते हैं। भाई, गोरा होना खूबसूरती का पैमाना नहीं है, जो खूबसूरत होता है वो तो खूबसूरत ही होता है, उससे गोरे और काले का कोई लेना देना है नहीं। भगवान कृष्ण को देख लो, और भाई आप भगवान की एक सुंदर रचना हो, आप बेहद खूबसूरत हो, चाहो तो अपनी मम्मी से पूछ लो। और बात रही मुंह की साफ सफाई की, तो एक अच्छा सा फेस वॉश लो, उससे आप सुबह शाम दिन में दो बार आप मुंह धो, आपके चेहरे पे वैसे ही निखार रहेगा। तो भाई, मेरे अंतिम शब्द ये हैं कि यदि आपको कोई भी ऐसी वीडियो मिले, ब्लॉग मिले जिसमें कहा गया कि इनो लगा लो, टाइड लगा लो, गोबर लगा लो, च्यवनप्राश लगा लो या कोई भी बकवास लगा लो, तो बिल्कुल भी ना प्रयोग करें ऐसे किसी भी वीडियो को जो टेस्टेड ना हो, अनवेरीफाइड ना हो। बिल्कुल भी अपने शरीर पर, चेहरे पर ऐसा कोई प्रयोग ना करें प्लीज। और इन वीडियोस को मिलियन मिलियन व्यूज मिल रहे होते हैं, और क्यों मिल रहे हैं व्यूज ये जानने के लिए लोग और देखते हैं और व्यूज मिल रहे होते हैं, तो ऐसे व्यूज के बहकावे में ना आए, ऐसी वीडियोस को बायकॉट करें। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, दिल में कोई भी बात हो तो कमेंट कर दें, और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, या सब्सक्राइब करो मत करो लेकिन चेहरे पर इनो बिल्कुल मत लगाना। भाई, एक अधेड़ उम्र का पति अपने अधेड़ उम्र की पत्नी के लिए दो लाइन लिखता है, कहता है कि जाती है वो ब्यूटी पार्लर, मकसद है उसका मिसाले हूर हो जाना, पर कौन समझाए बेगम को कि मुश्किल है किसमिस का फिर से अंगूर हो जाना। पूनम के चंद को घूंघट के नीचे छुपा के लाई तेरे लिए, दुनिया से नजरें चुरा के पीछे कुआं आगे मेरे खाई, तू ही बता जाऊं मैं कहां, मुझको दुआ किसकी लगी भाई, आके पधार रहा हूं जो यहां।